आप देख रहे हैं भारतवर्ष 24 न्यूज। मिर्जापुर में चुनार पुलिस ने दुष्कर्म पीड़िता क्षेत्र की विधवा महिला का जिला अस्पताल में इलाज और मेडिकल मुआयना कराया। गंभीर रूप से घायल महिला ने क्षेत्र के ही कुछ लोगों पर काम दिलाने के बहाने आगरा ले जाकर सौदा और सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। महिला ने लापता अपने इकलौते 4 साल के पुत्र को वापस दिलाने की गुहार लगाई है। एसपी नक्सल ने बताया कि गोवा कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। बालक को बरामद करने के लिए टीम भेजा गया है। चुनार थाना इलाके में रहने वाली पीड़िता महिला के पति का करीब 2 वर्ष पूर्व निधन हो गया था। अपने 4 वर्ष बालक का पालन पोषण मेहनत मजदूरी करते हुए कर रही थी। इसी दौरान क्षेत्र की महिला ने उसे अच्छा काम और अच्छा कमाई का सपना दिखाया। विधवा महिला को राजी कर 2 महिला समेत 4 लोग उसे अबोध बालक के साथ आगरा ले गए। उसे कई जगह घुमाया गया। इसी दौरान उसे 2-3 लाख में बेचने की बात की गई। विरोध करने पर उसकी पिटाई के साथ 3 लोगों ने दुष्कर्म किया। उसके साथ 4 साल के बेटे को भी उससे अलग कर दिया गया। उसे बेचने के लिए 2 लाख में सौदा किया गया था। इसका विरोध करने पर उन लोगों ने जमकर पीटा। उसे मरा हुआ जानकर घने पेड़ों के बीच सड़क किनारे फेंक कर चले गए। किसी प्रकार लोगों से पूछते हुए घर लौट पाई। पीड़ित महिला ने अपना बच्चा वापस दिलाए जाने और दोषी जनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पुलिस की निगरानी में पीड़िता के साथ पहुंची मोहल्ले की महिलाओं ने आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पीड़िता ने अपने लापता बालक को वापस दिलाए जाने की गुहार लगाई है। वहीं एसपी नक्सल ने बताया कि 2 जनवरी को महिला पुलिस थाना में आई थी। मामले को दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लापता बालक को बरामद करने के लिए आगरा और अन्य जिलों के लिए पुलिस की टीम भेजी गई है। इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। मिर्जापुर से गुफरान अहमद की रिपोर्ट। मेरे बच्चे को भी लापता कर दिए, बेच दिए। क्या हुआ था आपके साथ वहाँ पे? हमको जंगल में सब मार के सब फेंक दिए। वहाँ से हम कैसे कैसे पूछते हम आए हैं सर। मेरा बच्चा वापस चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए सर। कितने लोग थे वहाँ पे? वहाँ पे 3 थे। दिनांक 2/1/2023 को थाना चुनार में एक महिला उपस्थित हुई। उसके द्वारा बताया गया कि चुनार के ही कुछ लोग मुझे नौकरी दिलाने और काम दिलाने के बहाने आगरा लेके गए थे। वहाँ मुझे 2-3 दिन रखा, मेरे साथ मारपीट की गई और मेरा एक छोटा बच्चा था उसे लेकर किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया गया है और मुझे वहाँ से छोड़ के भाग गया। उसी की तहरीर के आधार पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा अपराध संख्या 6/2023। बच्चे की बरामद के लिए आगरा और अन्य जिलों को टीम भेजी गई है। कुछ लोगों के संबंध में हिरासत को गिरफ्तार किया गया है। बाकी लोगों को भी शीघ्र गिरफ्तार करके और बच्चे की बरामद करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।